गाइस, फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube चैनल पे जिसका नाम है द क्वेश्चन सर। तो आज के वीडियो में लेकर आ चुका हूँ क्यूब ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल आप जानते होंगे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म वाले को लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तो उसका क्यूब अगर कर दिया जाए तो क्या बनता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बाइनोमियल है एक्स प्लस वाई, और इसका क्यूब आप जब कीजिएगा तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई, और ब्रैकेट में डाल दो x प्लस वाई, जो यहाँ पे है वही। ठीक है, इसको अगर लिखना होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। तो घबराना नहीं, ये दोनों सेम फॉर्मूला है ना, x प्लस वाई का होल x प्लस वाई का होल क्यूब का। ठीक है, अगर ये माइनस में रहता है, जैसे मान लीजिए x माइनस वाई का होल क्यूब, तो इस कंडीशन में आप क्या लिखते हैं, सेम बात एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई, तो सेम बात है, सिर्फ माइनस साइन आ गया। अगर इसी को लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस, यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखना है, प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस में। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूला पे हमारा एक एक्सरसाइज है 3E। ठीक है, उस 3E को हम देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और उसको बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सरसाइज में एक्सपैंड आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, एक्सपैंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं 3A प्लस 1 बाय 4B का होल क्यूब। ठीक, तो आप देखो हम यहाँ पे कि x के जगह पर 3A है और y की जगह पर 1 बाय 4B है, तो यहाँ पे फॉर्मूला प्लस वाला लगेगा, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। आप इसको यूज कर लीजिए, 3a का होल क्यूब प्लस 1 बाय 4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 1 बाय 4b, और ब्रैकेट में लिख लीजिए 3a प्लस 1 बाय 4b, लिख लिए। तो इसको फर्दर जब सॉल्व कीजिएगा तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, क्या होता है 27a क्यूब प्लस, ये देखो 1 बाय 4, 4 का क्यूब क्या होता है जी 64 बी क्यूब। ठीक, इसको अगर फर्दर लिखना होगा तो 9a बाय 4b। ठीक है, अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 3a प्लस 1 बाय 4b। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ तक छोड़ देंगे, नहीं, एक्सपैंड का मतलब होता है इसको भी ब्रेक करना, तो इसको लिखेंगे 27a क्यूब प्लस 1 बाय 64b क्यूब प्लस, ये देखो 27a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं प्लस 9a बाय 16b स्क्वायर। इसको इससे की इनटू किया है, इसको इससे की इनटू किया है। ठीक है, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। सपोज ये तो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा लिखा रहेगा कि 3x माइनस 5 बाय x का होल क्यूब। तो आप हमें बताइए इन दोनों में कौन सा यूज होगा, ऑफ कोर्स माइनस है तो माइनस वाला यूज होगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 3x का होल क्यूब माइनस 5 बाय x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x के जगह पर क्या है 3x है, और y के जगह पर क्या 5 बाय x लिख देंगे, और ब्रैकेट में क्या एज इट इज रहेगा 3x माइनस 5 बाय x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 27x क्यूब, ये हो जाएगा 125x डिवाइडेड बाय x क्यूब, है ना, ये हो जाएगा आपका देखो 9 45 45, और x x कट जाएगा तो 45 हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट में 3x माइनस 5 बाय x हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको आप लिख सकते हैं 27x क्यूब माइनस 125 डिवाइडेड बाई x क्यूब, है ना, और ये देखो माइनस 45 इंटू 3 क्या होता है 50 कैरी 135x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 5 25 कैरी 22 बाई x। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो इस तरह इन दोनों का यूज करके हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, और इसमें दो तरह का और क्वेश्चन बनता है उसको भी हम लोग डील करते हैं। ठीक है ना, जो बने रहिए वीडियो से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, मान होगा तो कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें अब आपसे पूछेगा फैक्टराइज, क्या पूछेगा फैक्टराइज। तो फैक्टराइज में क्वेश्चन है 8a³, क्या लिखा हुआ 8a³ प्लस 27b क्यूब प्लस 36a² b प्लस 54ab² ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 3a का होल क्यूब
3a और 2a, 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस, अब यहाँ देखो फॉर्मूला होता है 3 इंटू a के बराबर 2a है इंटू b के बराबर क्या 3b है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये बात आ जाएगी, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं 18 कॉमन हो गया, 18 ए भी कॉमन हो गया, ठीक है। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2a प्लस 3b का होल क्यूब। सो इस फॉर्मूला पे आप देखें कि ये एक्सपेंशन होगा और ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ था, तो हमने क्या कर दिया फॉर्मूला का यूज करके इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बन गया, एक एक्सपेंशन और दूसरा फैक्टराइज, है ना, फैक्टराइजेशन। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, मान लीजिए कि दिया हुआ 103 का होल क्यूब, क्या दिया हुआ है 103 का होल क्यूब, इसको क्या बोलते हैं, देखिए 100 प्लस 3 का होल क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं 100 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 3 ब्रैकेट में 100 प्लस 3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे 27 और ये हो जाएगा 900 और ये इंटू में हो जाएगा आपका 100, ठीक है। इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करना ना भूलो, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में आप जरूर बताएं। थैंक यू, कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना ना भूलो, ठीक है, धन्यवाद।